रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ से श्री हिंगलाज माता की जो डॉक्यूमेंट्री थी मैं देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब कहते ना कि सुपर से भी ऊपर सुपर डुपर डॉक्यूमेंट्री थी, इतना अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनी है। आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा कि इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री हो, इतनी ट्रांसपेरेंटी, और उसमें जो AI का काम है, जो चीज़ें बताई गई है, एक एक चीज़ को क्लियर करके बताया गया। तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से रावा डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरह इसमें मेहनत की है और इसको चार चांद लगाए, तो बहुत अच्छा है। और मैं तमाम देखने वालों से कहूँगा कि एक तो ये डॉक्यूमेंट्री देखें जो श्री हिंगलाज माता की बनाई है, उसके अलावा रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म में और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है और सारी जो इनके प्रोग्राम हैं उसको भी देखेगा। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो है इस पूरे चैनल पे जितनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह है बहुत अच्छी बनाई है। दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज है इसको देखने के बाद टूरिज्म सिस्टम जो है पाकिस्तान में बढ़ेगा। बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर है और श्री हिंगलाज माता के दर्शन करना चाहते हैं, जो नहीं आ सकते तो वो इस चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और माता के आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और इसको देखने के बाद जो है जो लोग नेगेटिव लोगों के जहनों में आई हुई है कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, हिंदू कम्युनिटी के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग कितने खुश है, कितने आबाद है। अपने सारे त्यौहार, हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं, हमारे फेस्टिवल, हम बड़े धूमधाम से बनाते हैं। तो रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ताउन से जो है लोग देख पाएंगे कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और हिंगलाज माता जो तीर्थ स्थान है यहाँ पे कैसे लाखों की तादाद में लोग जो है तीर्थ करने आते हैं। एक बार फिर से कहूँगा कि रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त रिश्तेदार सबको शेयर करेगा। धन्यवाद।